मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं संगीता वाजपेयी आज आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बताने जा रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में आज हम लोग मोर बनाना सीखेंगे। चलिए बनाते हैं मोर। मोर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कटिंग करना है इस तरह से, दो सर्कल कटिंग करना है, एक उसमें अलग नहीं करना है, साथ में ही करना है। इस तरह से कटिंग करेंगे, एक साइज बड़ा में रहेगा, एक छोटा साइज में रहेगा। इस तरह से पहले हम लोग एक पेपर को कट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका लेग कट कर लेंगे। लेग कट करने के लिए आप चाहो तो इसमें ड्रॉ करके और इस तरह से लेग कट कर सकते हो। देखो इस तरह से लेग हम लोग कट कर लेंगे और लास्ट में हम लोग इसका पंख कट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसका पंख को कट करेंगे। कोई भी पेपर लेंगे, मैं ग्रीन पेपर से आपको बता रही हूँ। इस तरह से पेपर को लेंगे और इसको मोड़ेंगे, नीचे से कुछ कम ऊपर से ज़्यादा हम लोग इस तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग, ये हमारा पिकॉक का विंग्स हो गया। मैं दो बनाई और बहुत सारा मैं बना के रखी हूँ, जो अभी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारा कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा कलर पेपर यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फेविकॉल लगा के इसका नोज़ बना लेंगे। नोज़ के लिए भी आप एक पेपर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको ट्रायंगल कट करेंगे पेपर को। ये देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल मैं दो शेप में इस तरह से कट की, ट्रायंगल तो बनाई पर दूरा बनाई। अब इसे हम लोग बीच में लगाएंगे, फेविकॉल के मदद से हम लोग इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से मैं फेविकॉल लगाई इसमें और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारे पिकॉक का चोच। अब चाहो तो इसे रेड कलर से भी बना सकते हो और आँख बनाने के लिए आप आँख बाहर से ख़रीद के भी ला सकते हो। और अगर नहीं लाना है तो कोई बात नहीं, बिंदी है तो बिंदी यूज़ करेंगे। अगर बिंदी भी ना हो, ब्लैक कलर का पेपर हो तो उसको भी कट करके हम लोग लगा लेंगे। अगर वो भी ना हो तो मार्कर से हम लोग इस तरह से ब्लैक कलर का सर्कल बना लेंगे। तो चलिए इतना तो हम लोग बना लिए। अब पेस्ट करना मैं आपको सिखाती हूँ, नोज तो मैं बताई आपको। अब हम लोग लेग को भी दोनों को पहले नीचे पेस्ट करेंगे। देखिए दो लेग मैं बनाई, दोनों में मैं फेविकॉल लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा और फिर इसमें देखिए दोनों को हम लोग यहाँ इस तरह से दोनों लेग हम लोग पहले पेस्ट कर लेंगे। देखिए हो गया हमारा पीकॉक का लेग पेस्ट हो गया। अब बचा हम लोग का ये इसका विंग्स पे पेस्ट करना। तो आप चाहो तो पहले इसको पेस्ट कर लो ऐसे करके, या फिर इसमें भी पेस्ट कर ले सकते हो, लेकिन मैं इसी में पहले ही पेस्ट कर लेती हूँ। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम लोग लगाएंगे फेविकॉल, देखिए, और एक दूसरे के ऊपर चिपकाते चल जाएंगे। सारे विंग्स को हम लोग उसी तरह से चिपकाएंगे, ऐसे नज़दीक नज़दीक कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से, फिर दूसरे साइड भी हम लोग इसी तरह से फेविकॉल लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे बराबर में हो जानी चाहिए इसको, ये यहाँ मैं येलो लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया। और अगर घना करना है तो इसमें और हम लोग चिपका देंगे। देखिए इस तरह से और भी चिपका देंगे।
जितना घना होगा उतना सुंदर हमारा पिकॉक दिखेगा। देखिए इस तरह से हम लोग सारा विंग्स चिपका लिए इसमें। अब लास्ट में हम लोग इसमें पिकॉक को चिपकाएंगे। ये हो गया, लास्ट में हम लोग इसमें फेविकॉल लगाएंगे, पूरे में लगा लेंगे फेविकॉल, ताकि बहुत अच्छा से हमारा जो ये पिकॉक है वो बहुत बढ़िया से इसमें चिपक जाए। देखिए इस तरह से हम लोग बना लेंगे, बन गया हमारा पिकॉक। अब जितना कलर डालना चाहो उतना कलर इसमें आप डाल सकते हो। इसमें और पीछे अगर डालने का इच्छा हो तो और भी इसमें हम लोग विंग्स बना के और बहुत सारा डालेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।